समूह पुंछ निवासी संगतां नूं सूचित किया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी सत्कारयोग सरदार इंद्रजीत सिंह जी जो कि सोनू गोल्ड समिट के नाम से मशहूर ने, वो बाबा दीप सिंह जी के जन्मदिन पे अज ठीक 10 बजे श्री खंड पाठ साहब प्रारंभ करवा रहे ने। 27 तरीक सवेरे 10 बजे श्री खंड पाठ साहब जी की समाप्ति तो बाद कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे। ये हर साल मनाते ने, आप सारिया संगतां दा सहयोग के 27 तरीक इस प्रोग्राम दे विच शामिल। सत्कारयोग सरदार इंद्र सिंह जी अते उन्हां दी समुची टीम सोनू गोल्ड समिट, इन्हां सारे दी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। महाराज बख्शिश कर इस किस्म की सोच, इस किस्म की विचार जिहड़े ने इह साडे नौजवानां दे अंदर आवन, वो अपने इतिहास के नाल जुड़ सकन, अपने इतिहास के पन्नियां नूं खोल सकन और आने वाली पनीरी इतिहास के नाल। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੰਦੇ ਕੋ ਪਾਸਾ ਹੋ ਕੋ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇ ਮਾਇ ਸਤਗੁਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਕਮ ਪਾਇਆ ਸੈ ਸੇ ਕੀ ਮਨ ਮਿਆ ਹੋ ਧੰਨਾ ਦਾ ਤੁਮ ਕਰਵਾ ਭਈਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੜਾਇਆ ਸਤੋ ਸੰਗਾ ਹੋ ਆਦ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ ਤੋ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋ ਤਾ ਲੋ ਆਦ ਜੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਿਆ ਪਾਇ ਮੋਦ ਦੁਆਸ ਕੇ ਪਾਲ ਕਮਾਰਿਆ ਤੋ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੁਹੂਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪੁੰਛ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
विनय की जाती है, सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस बार भी सत्कारयोग सरदार इंद्रजीत सिंह जी, सोनू गोल्डस्मिथ, बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े ते वो सारा प्रोग्राम कर रहे ने। इस संबंध में आज सवेरे 10 बजे सत्कारयोग सरदार हरचरण सिंह जी प्रिंसीपल, उन्होंने श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ करवाए ने। 27 तरीक न ठीक 10 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति तो बाद कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे, गुरु के लंगर भी वरताए जाएंगे। ये सारा प्रोग्राम जड़ा है ये सत्कारयोग सरदार इंद्रजीत सिंह जी और उन्होंने समुची टीम जड़ी है वो कर रही है। बधाई दे पात्र ने जो कि एक पासे आप इतिहास के नाल जुड़ रहे ने, अपने विरसे दे नाल जुड़ रहे ने, दूजे पासे एक उपराला कर रहे ने कि आने वाली पनीरी छोटे बच्चे जड़े ने वो भी किसी न किसी ढंग के नाल किसी न किसी उपराले दे नाल वो अपने इतिहास के नाल जुड़न, अपने जो विरसा है उसनू समझन का यतन करन। बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दी जीवनी आप भली भांत जाणू हो कि किस कद दे ओ उस समय दे धार्मिक रहनुमा बने, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे पासों अमृत की दात प्राप्त करके दीपा तो बाबा दीप सिंह जो दी पदवी जिहड़ी है वो प्राप्त की थी। ते फिर कमाल दे जोहर दस के जो उस वेले दुरानी ने हमला करके दरबार साहब के उत्ते कब्जा करके उसनू उसकी बेरुमती की सी, उसका बदला लेने वास्ते किस हद की लड़ाई किस हद की जंग जड़ी है वो लड़ी है, और अरदास करके जंग के चले और अपनी जित प्राप्त करदा होया अपना सीस जड़ा सी वो दरबार साहब आके भेट किया है। तो इस किस्म के जो साढ़े सूरबीर ने योधे ने उन्हां दा इतिहास जड़ा है उसनू मुख रखद्या होया उन्हां दी जीवनी नू मुख रखद्या होया ये सरदार इंद्रजीत सिंह जी हर साल इस प्रोग्राम नू मनाउण दा यतन कर रहे ने। बाहर तो भी प्रोग्राम काफ़ी वड्डे पद्धर ते मनाया जाना सी, बाहर तो भी रागी जत्थे बुलाए जाने सन, पर कोविड दे जो SOPs ने उन्हां नू मुख रखद्या होया हालातों नू मुख रखद्या होया ये प्रोग्राम जिहड़ा सी थोड़ा शार्टकट किया गया है, पर महाराज बख्शिश करन आने वाले समय के इन्हों प्रोग्रामों होर वध चढ़ के मनाया जाएगा। दास जिथे समूह संगत प्रति बेनती करता है कि आप जी 27 तरीक नू अपना सारा प्रोग्राम जोड़े ने उन्होंने एक पासे रखद्या होया गुरु घर के पहुँच के गुरु दियाँ खुशियां प्राप्त करो, इस प्रोग्राम की रौनक नू वधाओ। दूजे पासे जिथे मैं सत्कारयोग सरदार इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद करता हाँ, उत्थे प्रिंसीपल सरदार हरचरण सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्हां दी सोच है सारे इकट्ठे मिल के इस चीज़ नू जो है समझ रहे ने, संगतां तक प्रोग्राम जिहड़े ने पहुँचा रहे ने। बोलदियां वध घट लफज निकले होने, अंत में फिर मैं फिर समूह संगतां प्रति बेनती करता हाँ कि 27 तरीक नू प्रोग्राम जिहड़ा है सवेरे 10 बजे तो लैके लगभग 2:30 बजे तक होवेगा, गुरु के अतुट लंगर भी वरताए जाएंगे, सारिया संगतां हम हुमा के पुज के गुरु दियाँ खुशियां प्राप्त करो। मैं इत्थे दे मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जो समय सिर साढ़े पास पुज के ये प्रोग्राम जड़े ने संगतां तक पहुँचाते हैं। वध करदी खिमा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।